डिविनेशन। सबसे हम पहले आते हैं 50 स्टोन डिविनेशन, ठीक है। अब ये कोई नहीं पड़ेगा, पहले हम एक काम करते हैं। आप सब कौन? चेतना जी और वर्तिका जी, प्लीज टेक आउट योर क्रिस्टल्स, ठीक है। आप अपने क्रिस्टल्स एंड सपोज देखिए, जैसे ये मेरा पाउच है, टेक आउट एनी पाउच, और वो जो टंबल्स है ना आपके, आप अपने टंबल्स ले लीजिए। फिल योर पाउच विद मैक्सिमम टंबल्स, जितने टंबल्स हैं आपके फिल कर लीजिए उसे। जब आप इसको एक डिविनेटरी फॉर्म में बनाएंगे, आपके पास जो जो एक्स्ट्रा टंबल्स हैं आप वो फिल कर लीजिए फिलहाल, बिकॉज फिर अब हम उन क्रिस्टल्स को डिविनेशन के लिए ही यूज करेंगे, ठीक है। टंबल्स तो आपके पास बहुत सारे होंगे ना, आप अलग अलग कलर के टंबल्स आप कोशिश कीजिए, जैसे एमेथिस्ट हो गया, मेन क्रिस्टल्स जो सारे होते हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि जो टंबल्स हम इसके अंदर लेंगे, अप्रोक्सीमेटली हमारे तो वैसे भी सारे टंबल्स एक ही शेप मतलब साइज के हैं, और यू नो हम लोग चीटिंग नहीं कर सकते जब हम उसके अंदर निकालेंगे कि यही क्रिस्टल निकालना है या वो क्रिस्टल निकालना है, राइट। तो टंबल्स अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर सेम साइज के होने चाहिए, सेम वेट के होने चाहिए, सो दैट हम व्हेन वी आर टेकिंग आउट टंबल, तो वी शुड हैव नो आइडिया व्हिच टंबल वी आर टेकिंग आउट, इट शुड बी वेरी नेचुरल। और जो मेन क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे रोज क्वार्ट्ज हो गया, क्लियर क्वार्ट्ज, सिट्रीन, एमेथिस्ट, देन रेड जेस्पर, जो जो मेन क्रिस्टल्स हैं, ग्रीन एवेंचुरिन, येलो, ऑरेंज एवेंचुरिन, ऑल दीज क्रिस्टल्स वी कैन यूज इजीली। और भी जो भी हमने 30 क्रिस्टल्स दिए हैं ना, बेसिकली दे आर दी बेसिक क्रिस्टल्स है, तो आप वो सारे क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं, बिकॉज आपको उनका यूज ऑलरेडी मालूम है, विच ऑल प्रॉपर्टीज दे आर हैविंग। तो अगर हम कोई भी क्रिस्टल निकालेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि वो व्हाट इज दी इंफॉर्मेशन फॉर यू। जब हम ऐसा पाउच कोई भी कभी भी बनाते हैं डिविनेशन के लिए, ठीक है, इसको सबसे पहले हम एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने का क्या तरीका होता है? बिकॉज यू हैव मेड दिस पाउच फॉर डिविनेशन, हमारे एक्टिवेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, सबसे ज्यादा हम सिंपलेस्ट तरीके से करेंगे। देखिए, सारे एलिमेंट्स हम एक्टिवेट कर सकते हैं, चार्ज प्रोग्राम रीप्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो आपने कोई इंसेंस स्टिक बर्न की, उससे पहले सारे क्रिस्टल्स आपके क्लियर होने चाहिए, जब भी आप कुछ बना रहे हैं इंसेंस स्टिक बर्न कीजिए, उसको चार्ज कीजिए, इंसेंस स्टिक से उसको सारा क्लीन कीजिए सारे क्रिस्टल्स को, ऑलराइट। या फिर आप वाटर में भी कर सकते हैं, रनिंग वाटर के अंदर आप क्लीन कर लिया अपने क्रिस्टल। या फिर सिंपल वे और क्या होता है, यू कैन अनॉइंट द क्रिस्टल्स विद सम, जैसे लेवेंडर ऑयल या सैंडलवुड ऑयल, इससे आपने उसको अनॉइंट कर लिया क्रिस्टल्स को, ठीक है। एंड अनदर वे ऑफ डूइंग इट, आपने कैंडल बर्न की, कैंडल के ऊपर, उसके ऊपर रख के फायर एनर्जी से आपने अच्छे से क्रिस्टल को क्लीन कर लिया, राइट। अब आपने एक पोटली ली, पोटली बना ली क्रिस्टल की। We will take this potli in our left hand, cover it with our right hand, close your eyes, invoke the divine. To the supreme god, divine father, divine mother, we humbly invoke you for your divine guidance, divine charging of these crystals. We are using these crystals, these divine chunks of earth for the divination purpose. We humbly invoke you and ask you to fill these crystals with your divine energies so that we can get all the appropriate answers which we wish to have. Thank you, thank you, thank you. After invocation, what we have to do? अब हम इसको अपनी breathing से divinity को invoke करेंगे with the intention and visualization that whenever you are using this potli, you will get an appropriate answer and with the help of divine only, and no one else can interfere in your work, theek hai। So ab hum breathing se karenge, take a deep breath, while breathing you will visualize that you are taking the divine white light inside you। Jab wo divine light aapke andar hai, ab aap apni visualization se us divine light ko charge kijiye। See, ye bahut zyada potent tarika hai। Aapne inhale kiya, अपनी विजुअलाइजेशन से उस पूरी एयर को चार्ज कीजिए कि डिविनिटी से फुल एनर्जी हो रही है और आप एकदम परफेक्ट आंसर्स निकाल रहे हैं। देन एक्सहेल द सेम ऑन द क्रिस्टल्स।
Again, inhale. Exhale. Do it 7 times. This is the best technique to program your crystals. Continue for 7 cycles. After you are done, give gratitude to Mother Earth. She has provided us with so many healing techniques. Thank you, Mother Earth. We love you. Thank you. Always keep this potli in a safer place और ऐसे अच्छी जगह पे रखिएगा, मतलब अपने altar पे रख सकते हैं, ठीक है? अब ये आपकी divination की पोटली बन गई। इसके अंदर आप देखिए, एक होता है हमारा 50 crystals divination, 50 crystals उसके अंदर डालने होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी आप ना जितने आपके पास है फिलहाल आप उतने में डालिए, ठीक है? अब आपको क्या करना है, सपोज हम सबसे अब करेंगे फर्स्ट डिविनेशन। आपको किसी भी क्वेश्चन का येस और नो में आंसर जानना है, ठीक है? वर्तिका जी और चेतना जी, आप अपना अपना क्वेश्चन सोचिए मन में। And while thinking, you are thinking of the question, open your portly. अब आपका देखिए, this is the your left hand side is the receiving, right hand side is the giving. ठीक है? आप अपना जो giving hand है, crystals के अंदर डालेंगे. You are giving the intention to the crystals कि आप अपना जो भी question सोच रहे हैं उसको intention दीजिए. Ask the question. ठीक है? अब आपने राइट हैंड से कर दिया जो आपका गिविंग हैंड था. अब लेफ्ट हैंड क्या होता है हमारा, जो अंदर लेता है एनर्जी, ठीक है? नाउ यू विल बी टेकिंग इन दी इंफॉर्मेशन. तो लेफ्ट हैंड से जितने ज्यादा क्रिस्टल्स आप जितने क्रिस्टल्स ले सकते हो ना, आपके हाथ में आते हैं अपने उतने क्रिस्टल्स निकाल लीजिए. मैंने निकाल लिया. नाउ काउंट द क्रिस्टल्स. कितने आए? हाँ जी, जी जितना जी. सेवन. ओके, वर्तिका जी आपकी? इलेवन आए. यस. देखो क्या होता है, अगर आपके क्रिस्टल्स ऑड नंबर में आए हैं तो आंसर यस होगा, और अगर इवन नंबर में आए हैं तो आंसर नो होगा. मेरे तो इवन में आए हैं, तो जो मैंने पूछा था उसका नो है आंसर, ठीक है? जो अभी आप बता रहे थे थोड़ा मैंने मिस कर दिया, एक्चुअली मेरी कॉल आ गई थी, तो अभी आपने जो बताई टेक्निक वो एक बार फिर छोटा सा बता देंगे दोबारा? ब्रीदिंग टेक्निक. देखिए क्लोज, जैसे अभी हमने क्या किया, फर्स्ट हमने टेक्निक किया है कि वी हैव मेड दिस पोटली ऑफ क्रिस्टल्स. टेक एक्स्ट्रा क्रिस्टल, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा क्रिस्टल्स है ना, जिसको आप डिविनेशन के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब जो हमारे 30 क्रिस्टल्स आपने जो ऑलरेडी लिए हैं उनमें से जो भी क्रिस्टल्स, आप एक पोटली बना लीजिए. वैसे तो हम 50 क्रिस्टल टम्बल्स डालते हैं. दीज टम्बल्स शुड बी यू नो, हमारे सारे टम्बल्स सिमिलर है, हमें पता नहीं लगेगा कि कौन सा, अगर हम डालेंगे कि हम स्पेसिफिकली कोई टंबल निकाल रहे तो ऐसा कुछ नहीं लगेगा. मैक्सिमम टंबल्स आपको इसके अंदर डालने हैं, ठीक है? ये पोटली, अभी ये पोटली भी तो बहुत काम आएगी. एक तो तरीका ये हो जाता है, आपने ये बना ली पोटली, ठीक है? फिर उसको हम इसको चार्ज करते हैं. सबसे पहले आप मेक श्योर कि यू हैव क्लीन क्लेंस्ड ऑल द क्रिस्टल्स. ओके, तो हमने बेसिक में किया था उसके उन प्रैक्टिसेस से, ठीक है? अब इसको चार्जिंग का आज हमने तरीका ये देखा कि बिकॉज वी आर यूजिंग दिस क्रिस्टल्स फॉर डिविनेशन. Close your eyes, inhale.
एंड इनहेल द डिवाइन व्हाइट लाइट, कॉस्मिक एनर्जी आपने इनहेल की. जब आपने इनहेल कर लिया, स्टॉप कीजिए अंदर और अपनी विजुअलाइजेशन से उस पूरी लाइट को चार्ज कीजिए कि आप यू आर द बेस्ट हीलर और आपको जो भी डिविनेटरी, मतलब सारे एंजल्स आपके सामने खड़े हैं, आपको इसके थ्रू वही आंसर दे रहे हैं जो सच है. यू आर गेटिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर. और फिर वो जो लाइट चार्ज हो जाएगी जो आपके अंदर है, फिर आपको उसको एक्सहेल कर देनी ऑन दीज क्रिस्टल्स. ठीक है, ऐसा आपको 7 times करना है. तो ये जो आपकी पोटली है ना, इट विल गेट चार्ज कम्प्लीटली और वो इतनी अच्छे से चार्ज होगी व्हेन एवर यू आर यूजिंग इट फॉर द डिविनेटरी पर्पस, आपको एकदम सही आंसर मिलेगी. ओके, राइट. अब ये डिविनेशन की पोटली हो गई, आपको इसको बहुत अच्छे से रखना है क्योंकि यू विल बी गेटिंग सो मेनी आंसर्स फ्रॉम दिस. तो जब हमें आंसर्स लेना होगा, इनको हाथ में पकड़ना है एंड वी जस्ट हैव टू आस्क फॉर द आंसर. वो करना है. अब क्या करना है, जैसे अब हमारा लेफ्ट एंड राइट वेक्टर होता है, लेफ्ट एंड रिसीविंग होता है, राइट एंड गिविंग होता है. तो सबसे पहले हम क्रिस्टल्स को जो भी हमें क्वेश्चंस पूछना है, हम अपना राइट हैंड जो गिविंग है इंटेंशन, हम इसको राइट हैंड अपने क्रिस्टल्स को जैसे यू नो पोटली में ले गए और इंटेंशन दे रहे हैं. यू आर जस्ट रफलिंग अराउंड दी टंबल्स है ना, इधर उधर इंटेंशन दो विद योर क्वेश्चन, कि आपका जो भी क्वेश्चन है आपने उसके इंटेंशन दी, प्लीज गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, आपने राइट हैंड से कर दिया. लेफ्ट हैंड रिसीविंग होता है, अब हमें रिसीव करना है उसका आंसर. तो लेफ्ट हैंड से आप निकालेंगे, टेक आउट एज मेनी क्रिस्टल्स एज यू कैन एट वंस. ठीक है, काउंट देम, हाउ मेनी क्रिस्टल्स. इफ द नंबर ऑफ क्रिस्टल्स आर ऑड देन आंसर इज यस, इफ द नंबर ऑफ क्रिस्टल्स आर इवन देन आंसर इज नो. ओके, राइट. ठीक है, इजी एंड इट इज रियली वेरी गुड. और यस और नो क्वेश्चंस के लिए तो ये बहुत बहुत इजी और बहुत अच्छी होती है. आपको कुछ नहीं करना, कोई ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं, ये नहीं वो नहीं, आपको सिर्फ ये पोटली लेनी है, उसके साथ काम करना है. सिंपल. ये अगर पोटली में हम डालते हैं तो उसको डाल के ही रखना पड़ेगा हमेशा. आपने एक डिफिनेशन पोटली बना ली ना. अच्छा, तो इसमें मैक्सिमम हम 50 रख सकते हैं. मैक्सिमम 50, आप वैसे तो कितनी रखी है, लेकिन हम इसको कहते हैं 50 क्रिस्टल्स डिविनेशन पोटली. ठीक है, अब इसके साथ अभी हम और भी काम करेंगे. एक तो हो गया ये तरीका, ठीक है, 50 स्टोन डिविनेशन. अब देखिए इसके अंदर जो हमने लिखा है कि फिल अ बैग विद 50 स्टोन्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली सेम साइज, सेम